तो क्या सोचेंगे यार? तुम ये फिक्र करो कि मैं क्या सोचूंगा, ये हमारी दोस्ती का इम्तिहान है। आई डोंट केयर अबाउट यू, मैं अंकल के बारे में सोच रहा हूँ। अगर उन्हें ये पता चल गया कि तुम यहाँ मेरे पास हो तो क्या होगा, ये सोचा तुमने? रिलैक्स, उनको नहीं पता चलेगा, वो बहुत ट्रस्ट करते हैं तुम्हें। आल्सो आई नो यू, नो वरी। तुम सिर्फ एक बात का जवाब दो, ये सब कुछ करके तुम साबित क्या करना चाह रहे हो? कुछ नहीं, बस ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उनके लिए एक्चुअली अहम हूँ या एक जिंद। किस किस्म की बात है यार, तुम ये सोच भी कैसे सकते हो? यू आर द ओनली सन ही हैज, ये जो इतना बड़ा बिजनेस वो चला रहे हैं तुम्हारे लिए तो है यार, और किसके लिए? कम अज कम मेरे लिए खड़ा नहीं किया, उनका अपना शौक था। ऐसा मुझे ऑनेस्टली तुम्हारी सोच पे हैरत होती है। अच्छा, इन सब चीजों से तुम्हें कोई फायदा नहीं या है, ये बताओ मुझे। हमदान, मैं दुनिया देखना चाहता हूं। आई वॉन्ट ट्रेवल। क्यों नहीं है तुम्हें समझ आती बात के मुझे घुटन होती है यहां पर, मुझे नहीं चार्मिंग लगता यार, ये स्टॉक्स, ये डील्स, ये मीटिंग्स। मेरे अंदर एक एक एक्सप्लोरर है, एक ट्रैवलर है। अगर मैं देख लूंगा दुनिया, चला जाऊंगा थोड़ी देर अपने बलबूते पर झेलूंगा, तो क्या बुराई है इसमें? अच्छा चलो ठीक है, फॉर अ सेकेंड मैं सोचता हूं कि तुम ये कर लोगे, लेकिन इन सब चीजों से तुम्हारा दिल भर गया तो वापस आ जाऊंगा। But at least I'll get a chance to do something, to live a little. Okay, fine, I understand. लेकिन वापसी के रास्ते बंद करके नहीं जाओ रजा, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। तुम हर चीज से बहुत जल्दी उकता जाते हो, जब वो चीज तुम्हें मिल जाती है ना, तुम्हारे लिए उसकी अट्रैक्शन खत्म हो जाती है। इसी तरह फोटोग्राफी से भी तुम्हारी अट्रैक्शन खत्म हो जाएगी। आई नो दैट, मैं जानता हूँ, मुझे हर वो चीज जो थोड़ी सी चैलेंजिंग होती है वो उससे भाग जाता हूँ। आई नो दैट अबाउट मी। तो अब US जाके अपने फेवरेट फोटोग्राफर से मिलना, उसके साथ काम करना, ये तुम्हारे लिए चैलेंज है? हमदार, वो मेरा पैशन है, ट्रस्ट मी, आई रियली लव फोटोग्राफी।